करनाल से जिला प्रशासन द्वारा लघु सचिवालय के सभागार में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम एडीसी अनीश यादव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। एडीसी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत में 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था। गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। उन्होंने कहा कि संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। भारत की आजादी के बाद प्रथम अंतरिम सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में सेवा करने का निमंत्रण दिया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान पर पहली टिप्पणी करते हुए ग्रानविले ऑस्टिन ने इसे सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को हासिल करने वाला संविधान बताया था। भारतीय संविधान में जहां देश के सभी लोगों को एक जैसे मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, वहीं मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। विश्व का सबसे विस्तृत और लचीला संविधान होने के साथ साथ भारत के संविधान की यह विशेषता है कि इसमें समाज के हर वर्ग के हितों और अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों का आह्वान भी किया कि वह अपनी दिनचर्या की ड्यूटी को और बेहतर तरीके से निभाने के लिए संविधान की मूल भावना को अपनी कार्यशैली का आधार बनाए। इस मौके पर डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने संविधान की प्रस्तावना पढ़कर सुनाई और कहा कि यह प्रस्तावना पूरे संविधान का मूल आधार है। इस मौके पर एसडीएम करनाल नरेंद्र पाल मलिक, एसडीएम असंध अनुराग ढालिया, एसडीएम इंद्री सुमित सिहाग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। तो आप अगर इस बार इसको ढंग से पढ़ लोगे, इसको मतलब आप इसमें हर एक वर्ड का तात्पर्य है कि इसमें कोई भी वर्ड्स हमने अपनी तरफ से मतलब डाल नहीं सकते, और ना मतलब इसमें एक छोटा सा छोटा वर्ड है, जैसे आप शुरू भी होता है जैसे हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब इसमें कहीं पे ये नहीं बोला कि भाई वी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कुछ, मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है ये हम लोगों ने अपने आप को दिया है। इसमें आखिर में यही है, वी गेव ऑन टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डेट एंड सो एंड सो डेट। तो ये सारी बातें हैं, तो आप एक बार थोड़ा ये जो डॉक्यूमेंट होता है प्रीएम्बल भी, तो एनसीईआरटी है, जैसे हम एनसीईआरटी पढ़ते थे तो उसके फर्स्ट पेज पे दो चीजें हमेशा लिखी रहती थी, एक तो होता था आपका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा होता था गांधी जी का करिश्मा। पढ़ाई होगा मेरे ख्याल से तो हमने एनसीईआरटी पार्टी गवर्नमेंट का, ऐसे काफी ऑर्गन्स होते हैं स्टेट के, वो जैसे आपके होते हैं लेजिस्लेचर, तो आपकी सरकार है तो सरकार किस नियमों के तहत काम करेगी, कैसे इलेक्ट होगी, कैसे बनेगी, ऐसे लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर कैसे होएगा, 5 साल के बाद कैसे नई सरकार बनेगी, उसको चुनने वाले कौन होंगे, उसका चयन कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी एक आर्टिकल है वहां पे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन लोग होंगे जो इलेक्शन कमीशन को मैन करेंगे, कैसे कंडक्ट कराएंगे। इसके बाद आपकी जुडिशियरी होगी, जुडिशियरी के जो आपके जजेस होते हैं वो कैसे बनेंगे, उनका क्या उनकी पावर्स होगी, ब्रॉड गाइडलाइन जो है सारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है दो, आप सभी ने नहीं पढ़ा होगा, मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा पर्सनली तो, पर ये काफी बल्कि डॉक्यूमेंट है। जब ये डॉक्यूमेंट बना तो हमने काफी देश के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े थे, देखे थे, आयरलैंड के, यूएस के, क्योंकि यूएसए में तो काफी पहले सबसे पहला एक देश मेरे ख्याल से वही रहा था कि जिसने रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा था। तो दो उनका कॉन्स्टिट्यूशन काफी छोटा सा है, तो अगर देखोगे कि आप साउथ अफ्रीका के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ बातें उठाई है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ बातें उठाई है, हमारा जो मेन जो मोटा मोटा ढांचा है वो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से काफी मिलता जुलता है, पर हमने जो उनका मोनार्की वाला कंसेप्ट था वो ना लेके हमने थोड़ा रिपब्लिक हमने अपने आप को डिक्लेयर करा है। तो ये सारी चीजें काफी मतलब काफी डिस्कशन हुई, जैसे आप देख रहे हो 15 अगस्त 1947 की बात है, अब उसके कुछ सवा दो साल के बाद में 26 नवंबर 1949 पड़ती है। दो साल तक ये रोजाना ऐसी मीटिंग्स होती थी, वहां पे काफी डिस्कशन होती थी कि हम अपने देश को मतलब क्या कैसे हम आगे बढ़ के लेके जाए और कैसे हमारी जो स्थापना होगी या फिर एस्टेब्लिशमेंट होगी उसमें कैसे हम काम करेंगे अपने देश के लिए। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया उसके बाद में उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत बड़ा बल्कि डॉक्यूमेंट बन गया, 1000 पेज या 2000 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, उसको फोन के बेसिस पे कभी 1000 भी हो जाता है, कभी 2000 हो जाता है, तो इसको पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, और उसकी मतलब जो आपकी होती है ना जैसे जिस्ट होती है, जिसको आप क्या बोलोगे कि भाई जिसका सारांश होता है, तो सारांश समझने के लिए इसको कुछ ऐसी चीज दी जाए ताकि इसको बेशक से अंदर पढ़े या ना पढ़े पर उसको अगर कुछ आधे पेज की कोई ऐसे डॉक्यूमेंट हो जाए वो बन जाए जिसमें इसका सारा सारांश हो। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।